भी जाते थे और ये कहते थी कि ये जिंदगी है मेरे पास यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसकी तारीफ करते थे, अगर ये अच्छा होता और नेक होता तो इसके घर में रोटी का टुकड़ा क्यों नहीं करता, इसने कल की रोटी बचा के क्यों रखी, क्या इसके पड़ोस में क्या इसके मिलने जुलने वालों में कोई ऐसा नहीं था जो रोटी की जरूरत उसको होती, अगर ये नेक होता तो ये खाने बचा के रखता। मैं तो ये समझती थी मैं इसके घर में जाऊंगी तबक्कुल वाला बच्चा हाथी मिलेगा मुझे, इसलिए कुछ नहीं होगा, मेरे सामने घुमाएगा लाएगा खिलाएगा मुझे, मैं सब लोग शुक्र है। ये हमारे मुसलमानों के हालात है और आज जो हालात है वो आपके हमारे सबके साथ हम टेलीविजन देने के लिए इसके अलावा करने के लिए कितने ऐसे मजबूर लोग हैं, एक बच्चा बेचारे अपनी इज्जतों का आप खबरी के लिए बाहर इसलिए बच्चा बहुत बुरी कर रहा है, लोगों को नसीहत कराते हैं और जो कुछ हो सकता है बन पड़ता है वो इस तरीके से भी करते हैं। बहरहाल हमने किस नियत से हम ये सब कुछ कर रहे हैं वो हमने मीडिया को भी बता दिया और इसको ये पैगाम हमारे घर से पहुँचाना चाहे वो पहुँचा दे कि मुसलमानों को अपने बुजुर्गों के रिवायात अपने बुजुर्गों के हिदायात को नहीं भूलना चाहिए। आज हम अगर तकनीकी प्रोग्राम या कोई इस तरह के मजालिश करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम अपनी तारीफ करें और अपने जितने हमारी रोटी रोटी का नहीं जितने नाम होते उनके डंके बजाते रहे।